बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB ने नया फरमान जारी किया है। अब 10वीं के परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। BSEB ने परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के जूते मोजे पहनकर आने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 21 फरवरी से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि बोर्ड द्वारा नकल पर नकेल कसने के लिए ये फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र छात्राएं बिना जूते मोजे के परीक्षा में बैठते हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2018 के लिए राज्य में 1426 केंद्र बनाए गए हैं। 21 से 28 फरवरी तक दो पालियों में परीक्षा होंगी। परीक्षा में 17.5 लाख परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। पटना जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में दो पालियों में 82,000 से भी अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। बोर्ड की ओर से कई बार नकल रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले डिजिटल घड़ी पहनने पर भी रोक लगाई गई थी। परीक्षा में सिर्फ एनालॉग घड़ियां ही पहनने की इजाजत दी गई थी। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।